उसमें इंडस्ट्री जैसे दिन में कम होती है तो सभी सिंगल लोकल बाहर ग्रामीण सायराम सायराम तुमको दिखाई नहीं देता, हाँ फिर भी खाट भर लेते हो, कहाँ सीखा ये? ये हमारा काका ने सिखाया था। कैसे भरते हो? हमारा काका ने भरता था नहीं, तो इसके साथ में जाके मैं बैठता तो तेरे को भी सिखा देता, कोई कोई लोग तेरे को लेने आएगा खाट भराने के लिए, तेरा भी नाव चलेगा करके मेरे को सिखाया था। तो रस्सी दबाना, ये अत्ती रस्सी दबाना और दो रस्सी को ऊपर लेना, ऐसा करके मैं सिखाया था, तो इसके साथ सीखा था। तुमको दिखता नहीं है तो फिर भरते कैसे हो, कैसे सीख गए? मेरे को ऐसा दिमाग ऐसे लड़ा लिया था, तो इतनी रस्सी दबाना, इतनी रस्सी को ऊपर लेना, उंगलियों से सिखा दिया तुमने? हाँ, उंगली से, ऐसा उंगली से बताना। लोग आते हैं मिलने दूर से तुमको देखने आते हैं लोग बाग? हाँ ना। क्या बोलते हैं? अरे बहुत अच्छी खटिया बनाते रहे, बहुत जोरदार, ऐसा नाम सब भी मेरे को नाम लेता है कि सायराम बहुत जोरदार खाटी बनाता है, भरता है। कितने पैसे लेते एक बार भरने के? हमारा वो हमारा गांव में फैलिया में है ना, तो ऐसा कोई समझ के दे देता है। अच्छा, 100-150 कोई भी लोग लेने भी आते खाट भरने के लिए, लेना ले आना करते हैं? हमारा गांव में सब खाटिया मेरे हाथ के हैं। अच्छा, लोग लेने भी आते तुमको, बुट गाड़ी से लेने आते हैं? हाँ आते हैं। क्या बोलते आके? चल यार खाट भरने के, हाँ हमारे घर खाट भरना है कहीं, तो चल। दूसरे गांव में भी ले जाते हैं? हाँ। काका जाते दूसरे गांव में? गांव में मुर्दड़ भी गया था और उधर रेलाटी उधर भी आया था, बीजापुरी तरफ। कब से भर रहे हो आप? 2011 मसीह सीखा था मैंने, 5-6 साल हो गए तब। तो